द्रव्यमान केंद्र की सहायता से किसी भी निकाय के जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी सहायता से हम ये प्रूव करेंगे कि किसी भी सिस्टम के लिए जो उसका रेखीय संवेग होता है यानी लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी निकाय पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर बाहरी बल ना लगाया जाए तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अगर हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तब की बात। मान लो कोई सिस्टम है और वो कई कणों से मिलकर के बना जिनके द्रव्यमान m1 m2 .mn है और उनके वेग v1 v2 v3 वगैरह वगैरह, तब निकाय का रेखीय संवेग जो टोटल पिंड है, टोटल निकाय है, उसका रेखीय संवेग अलग अलग कणों के संवेगों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम, निकाय का कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग P वेक्टर बराबर आ जाएगा P1 प्लस P2 वेक्टर प्लस .PN। कोई दिक्कत नहीं, P वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस .MN VN वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं ना। अब हमने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा था कि द्रव्यमान केंद्र का वेग के लिए जो व्यंजक होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग की अगर हम बात करें, द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा से, तो वो ये कहता है कि VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना mn vn वेक्टर, राइट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा MVCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस .MN VN वेक्टर। इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम कंपैरिजन करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की, तो P वेक्टर इज इक्वल टू MVCM वेक्टर निकल करके आ जाएगा, है ना। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से P वेक्टर बराबर आएगा MVCM वेक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग, उस निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान और उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि P कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, पी कांस्टेंट है। हम यहां पर टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये बनेगा डीपी वेक्टर अपॉन डीटी इज इक्वल टू MDVCM वेक्टर अपॉन डीटी। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं, समझ रहे हो आपको, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। डीपी वेक्टर अपॉन डीटी इज इक्वल टू MACM वेक्टर। गति का दूसरा नियम ही कहता है किसी भी निकाय पर, निकाय के कणों पर लगने वाले जो बाहरी बल होते हैं वो उस निकाय के, निकाय पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो अलग अलग कणों पर लगने वाले बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इट मीन हमने ये देखा है कि MACM वेक्टर इज इक्वल टू F एक्सटर्नल होता है, लास्ट जनरेशन में ये तो प्रूव किया था। तो डीपी वेक्टर अपॉन डीटी इज इक्वल टू FEHT एक्सटर्नल फोर्स, इतना आ गया। अब इसके बाद हम ये कह रहे हैं के रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कह रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि अगर किसी निकाय पर
बाह्य बलों का सदिश योग शून्य हो, कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। मतलब यदि F external is equal to zero, then dP upon dt is equal to zero, then P vector is equal to constant। किसी भी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर अगर जीरो है, उसमें लीजिए वो चीज मतलब कॉन्स्टेंट नहीं बदलती, ठीक।